अब आपको लिए चलते हैं सीधा आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पांडे जी वहां थाने पे गए थे, मीडिया को बयान दे रहे थे, ये मीडिया के सामने की घटना है। तो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी देश के महामहिम राष्ट्रपति से, दिल्ली के एलजी से, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से और गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से जल्दी ही मुलाकात करेगी और देश के प्रधानमंत्री जी से भी हम समय चाहेंगे, उनको भी मिलकर ये पूरी घटना दिखाना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर आगाह करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अपने इस प्रकार की कार्यशैली को बदले। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी का फार्मूला है गुजरात का। ऐसे ही गुजरात में अपने विरोधियों का फर्जी इनकाउंटर कराना, उनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाना, उनको मरवा देने की कार्रवाई गुजरात में मोदी की पुलिस करती थी और वही मोदी की पुलिस यहां पर भी दिल्ली में भी वही कर रही है। व्यापम घोटाले में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां 48 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो दिल्ली में ये जो कल घटना हुई है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी राष्ट्रीय इकाई चिंतित है और हम सारे लोग महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सबसे मिलकर ये एविडेंस देंगे और इस पर कार्रवाई की, उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। अब दिलीप पांडे जी अपना पूरा कल का घटनाक्रम बताएं। दोस्तों, कल का पूरा दिन, अगर कल के पूरे दिन भर के घटनाक्रम को अगर आप एक श्रृंखला में जोड़कर देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज बची नहीं है, इसका विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक कानून के जो लोग रखवाले हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है शहर के अंदर के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, जब उनके जरिए ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती है तो चिंता बहुत बढ़ जाती है। लगातार दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है और मोदी जी की पुलिस और दिल्ली की जनता के बीच जो विश्वास का संकट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि कल हम आपसे मुखातिब थे, मोदी जी की पुलिस का जो रवैया है मीनाक्षी मर्डर केस में उसको लेकर, और आपको हमने बताया कि किस प्रकार मोदी जी की पुलिस अपने चरित्र को, अपने चेहरे को बचाने के लिए एफआईआर में गलत जानकारियां दर्ज कर रही है। आईपीसी की धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज तो होती है, लेकिन आरोपियों के नाम पर सिर्फ एक नाम एफआईआर में जानबूझकर इंक्लूड किया जाता है, दो आरोपियों को एफआईआर के जज से बाहर रखा जाता है। एफआईआर में पुलिस कहती है कि क्राइम टीम जब वहां पहुंची मौकाए वारदात पे तो चश्मदीद नहीं मिले, जो सरासर झूठ है। वहां दर्जनों चश्मदीद मौजूद है। अगले दिन एक शख्स ने लिखित में अपनी गवाही दर्ज कराने की बात कही है उसी थाने में, और ये पर्दाफाश करने के बाद वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब एफआईआर को ठीक करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी बर्बरता से, बड़ी बेरहमी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, मारा गया, महिलाओं को मारा गया। वहां से 3-4 पुलिस कांस्टेबल्स थी, बाकी मेल पुलिस कांस्टेबल्स ने महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया और आपके तमाम कैमरों में वो पूरा दृश्य कैद भी हुआ है। बात यहां रुकी नहीं, हमारे 21 साथियों को गिरफ्तार किया गया। 5-6 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई गई, 5 लोगों की, उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल में एमएससी के लिए ले जाया गया शाम को 7 बजे, और अलग अलग थानों में गलत जानकारियों के जरिए कोई सही सूचना पुलिस मुख्यालय से मिली भी आई थी, कौन सा साथी हमारा किस थाने में, कोई बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार अपने स्रोत से पता चला कि कौन कहां है। हमें पता चला राजेंद्र नगर थाने में तकरीबन 11 साथी, जिसमें 5-6 महिलाएं भी हैं, उनको आपने दिल्ली की पुलिस ने, मोदी जी की पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था। शाम ढलने के बाद कानून कहता है कि आप महिलाओं को इस प्रकार डिटेन नहीं कर सकते अगर आपके यहां पर्याप्त सुविधा नहीं है तो। इसके बावजूद कानून का उल्लंघन करते हुए और बहुत देर तक, घंटों तक परसुएशन करने के बाद, संजय भाई के बस्सी साहब से बातचीत करने के बाद, हमारे वहां पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद 10:15 बजे रात को वहां महिलाओं को रिलीज किया गया।
महिलाएं बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद कुछ मीडिया के साथी वहां मौजूद थे, उनके साथ मेरा संवाद हुआ, उनसे बातचीत हुई और मैं पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें दे ही रहा था कि करीब 10:20-22 के आसपास मेरे पीछे की तरफ से तेजी से एक पुलिस की बस तेजी से मेरे ऊपर आई और वहां मौजूद वॉलंटियर्स ने चिल्लाया, भैया बचिए भागिए। और ये पूरी की पूरी घटना, चूंकि मैं मीडिया के कैमरे के सामने था, मीडिया के कैमरे में दर्ज हुई है, वहां के साथियों के कैमरे में दर्ज हुई है और आपके सामने ये पूरा दृश्य मैं रखना चाहूंगा। ये वो जगह है जहां मैं बाइट दे रहा हूं और यहां पूरी हकीकत कि किस तरीके से मोदी जी की पुलिस अपने चेहरे को बचाने के लिए, गृह मंत्रालय को बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए किस प्रकार से गुजरात का खूनी फार्मूला दिल्ली राज्य के अंदर लागू कर रही है और मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। लेकर एक बार फिर से पीछे और पीछे करो